मंडी जिला के महुआ विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक मुकेश रोशन को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में राजद विधायक मुकेश रोशन ने नगर थाने में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके मोबाइल नंबर पर फोन किया गया और उन्हें पहले भद्दी भद्दी गालियां दी गई और फिर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। उन्होंने बताया कि जन समस्याओं को वे हमेशा से उठाते आ रहे हैं, शायद यही वजह है कि उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है ताकि डर से वे जन समस्याओं को ना उठा सके। लेकिन मुकेश रोशन किसी की धमकी से डरने वालों में से नहीं है और वे जन सेवा से कभी पीछे नहीं हटेंगे। मुकेश रोशन ने इशारे इशारे में कहा है कि बीते दिनों महुआ में निर्माणाधीन ऑक्सीजन गैस प्लांट में घटिया सामग्री इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाते हुए महुआ थाने में आवेदन देकर संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। मुकेश रोशन का शक है कि इसी मामले को लेकर एक राजनीतिक साजिश के तहत जान से मारने की धमकी मिली है। जाहिर सी बात है कि पूर्व में विधायक के पिता की हत्या भी हो चुकी है और अब उनको धमकी मिली है। ऐसे में विधायक सीधे बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी 5:04 पे एक अननोन नंबर से कॉल आया, हम खुद उठाए, उस पे पूछा गया कि आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, तो हम अपने बारे में बताए। उसके बाद उधर से बोला कि नंबर आप यूज़ करते हैं, हम बोले हाँ हम यूज़ करते हैं, तो भद्दी भद्दी गालियाँ और जान मारने की धमकी देने लगा उधर से। हम इधर से कुछ बोल पाते, उसके बाद वो फ़ोन काट दिया और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो कौन आदमी है, ज़रा उसका पता चले, लेकिन उस पर कॉल नहीं लग रहा है। और आप जानते हैं कि पूर्व में भी मेरे पिताजी की हत्या 93 में हुई थी, उसके बाद से पूरा परिवार जो है वो दहशत में आज तक हम लोग रहते हैं। इसी बीच में आज हमारे साथ जो घटना घटा, काफ़ी भयभीत है और इस तरह की घटना हमको नहीं लगता है कि लोकतंत्र में कहीं जगह है। और जब आम आदमी और की बात किया जाए और एक विधायक की बात किया जाए, अब बताइए कि सरकार में सुशासन नाम की चीज़ कहाँ है, किस पर लोग भरोसा करेगा? किसी को भी लोग फोन करके धमकी दे सकता है जान मारने की। अब तो हम लोग को समाज सेवा करने से भी डर लगता है कि क्यों समाज सेवा करेंगे, क्या लगता है? गोली खाने के लिए क्या क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ, कुछ आशंका ऐसी है या किस तरह का? देखिए, चूंकि सोशल एक्टिविटी हम करते हैं, विधायक हैं, समाज सेवा करते हैं और लोगों के जनहित की जो मुद्दाएं रहती है उस पर हम अपने पूरे ताकत से ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। हो सकता है कहीं इससे कोई परेशानी में कोई ना आए, इसके लिए वो हम लोग के ऊपर इस तरह का धमकी देने का काम किया कि ताकि ये अपना एक्टिविटी कम करे। आपका इशारा कहीं ऑक्सीजन प्लांट को लेकर तो नहीं? देखिए, हम तो परसों ऑक्सीजन प्लांट पे गए थे, उसके बाद पूरा जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर उनके जो प्रधान सचिव हैं उन लोगों को लिख के हमने दिया है और सोशल मीडिया पे कल ही मैंने एक पत्र जारी किया था। उस पत्र में मेरा दोनों नंबर था, मोबाइल नंबर, और ये नंबर जनरली पब्लिकली है नहीं जिस पे कॉल आया है, ये कल ही डाला गया था सोशल मीडिया पे, जिसमें ये नंबर था उसी नंबर पे कॉल कर करके और मुझे धमकी दिया गया है। अभी सूचना दिए हैं एसपी साहब को, वैशाली एसपी को दिए हैं सूचना, और नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है मेरा कार्यालय, अभी नगर थाना के भी पदाधिकारी लोग आए हैं, उनको अभी हम लिखित दे रहे हैं।